हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान तरीके से यहां पर मैं एक बर्फी रेडी कर रहा हूं। इसको मैं रेडी कर रहा हूं नारियल और दूध से। तो ये जो मेरा बनाने का तरीका है ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है जिसको मैं उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर आपको मिल्क को स्टार्टिंग में उबाल के आधा कर लेना है, मतलब 2 लीटर मिल्क मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो मिल्क को मैं उबाल के 1 लीटर की क्वांटिटी पर लेके आ जाऊँगा इसको। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको मिल्क उबालना है, मतलब मिल्क का जो पानी जलाना है वो तेज, आपका जो गैस है वो तेज होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नारियल का पाउडर। ये बिल्कुल बारीक पाउडर है नारियल का, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो 1 कप के लगभग मैंने पहले ऐड किया है, उसके बाद हम देखेंगे यदि हमारा जो मिल्क और नारियल का पाउडर है ये पेस्ट गाढ़ा हो जाता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। यदि हमें लगता है कि ये पतला है तो 1 कप के लगभग और हम नारियल इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 लीटर मैंने मिल्क लिया है जिसमें मैंने 2 कप के लगभग नारियल पाउडर ऐड किया है। अगर मैं क्वांटिटी में बात करूँ या वेट में बात करूँ तो 200 ग्राम के लगभग मैंने नारियल इसमें यूज किया है। और जैसे ही हम नारियल पाउडर ऐड करते हैं मिल्क में, हमारा जो मिल्क है वो गाढ़ा होना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो नारियल पाउडर है ना वो फूल जाता है बहुत ही जल्दी ना। तो यहाँ पर मैं इसको मिल्क से रेडी कर रहा हूँ। आप चाहें तो मिल्क का मावा रेडी करके भी इसको रेडी कर सकते हैं। और हमें इसको लगातार चलाते रहना है। अब हमें गैस के फ्लेम को लो कर देना है। तो जैसे ही हमारा इसमें मिल्क ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो 1 कप के लगभग यहाँ पर मैं चीनी यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है और इसको उस फॉर्म में लेके आना है कि इसकी हम बर्फी जमा सकें। तो उसके लिए हमें इसमें जो भी एक्सेस बैटर है उसको जलाना पड़ेगा। और इस काम को बहुत ही आसानी से कैसे हम करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच के लगभग देसी घी इसमें ऐड करना है और इसके बाद इसको लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। तो देसी घी ऐड करने से 2 चीज़ें होंगी, एक तो हमारी जो बर्फी है उसका स्वाद काफ़ी अच्छा होने वाला है, दूसरी चीज़ इसको बहुत ही जल्दी पकने में हेल्प मिलेगी। तो लगभग आपको ये चलाना पड़ेगा 8 से 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नारियल पाउडर और मिल्क था वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसको देख के लगने लगा है कि इसको यदि हम ठंडा करेंगे तो इसकी हमारी जो बर्फी है वो आसानी से जम जाएगी। तो गैस को मैं बंद कर देता हूँ और एक प्लेट या थाली में थोड़ी सी देसी घी डाल के उसको हम ग्रीस कर लेंगे। यदि आप चाहें तो बटर पेपर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अपना पेस्ट ऐड करेंगे। और एक लेयर बना देंगे बर्फी की थिकनेस आपको जो चाहिए तो उसके हिसाब से आप सारे मटेरियल को, सारे पेस्ट को थाली में बिल्कुल प्लेन कर देंगे और ऊपर से इसको हम चिकना कर देंगे। और हमें इसको लगभग 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। तो इसको हम लगभग 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और लगभग 4 घंटे बाद
हमारी जो बर्फी है वो रेडी हो गई है। अब इसके हम पीसेस काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि नारियल और दूध की आप बर्फी कैसे रेडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।